नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे शिक्षक नियोजन के काउंसलिंग को लेकर। पंचायत और प्रखंड स्तर पर काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द होगा जारी। बिहार में शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए कई बड़े अहम कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के नगर निकायों और प्रखंड निकाय इकाइयों में शिक्षक नियोजन के दौरान कई काउंसलिंग में हुई गड़बड़ी को देखते हुए अब नियमों में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि आगामी 2 से 9 अगस्त तक दूसरे चरण के नियोजन इकाइयों में नियुक्ति के इच्छुक अभ्यर्थियों को चयन के लिए दो दो दिन मिलेंगे। मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा निदेशालय नए नियोजन शेड्यूल को अंतिम रूप दे रहा है और जल्द ही इसे अधिसूचित भी किया जाएगा। पूर्व से जारी शेड्यूल में संशोधन शिक्षक अभ्यर्थियों की सूचना के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में STT उत्तीर्ण ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पास हो गए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी क्लास 6 से 8 और क्लास 1 से 5 दोनों कैटेगरी में स्कूलों में नियुक्ति के योग्य रखते हैं। लकी अभ्यर्थियों की पहली पसंद होती है मध्य विद्यालय, लेकिन मध्य विद्यालय में उनका चयन नहीं हुआ है तो वे प्राथमिक विद्यालय जरूर जाना चाहेंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने जुलाई के नियोजन में भी नगर निकाय और प्रखंड निकाय इकाइयों में दो दो दिन की काउंसलिंग के लिए अलग से रखे हैं। इन दोनों श्रेणियों में स्कूलों के शिक्षकों के चयन के लिए दो दिन तय किए गए हैं। आपको बता दें कि 2 अगस्त और 9 अगस्त के बीच में करीब 400 पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग का आदेश जारी किया गया है। इन इकाइयों में 5 से 12 जुलाई के बीच में नियोजन कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। इन इकाइयों की जाँच रिपोर्ट संबंधित जिलों को दे दी गई है और विभाग इसकी समीक्षा कर रहा है। आपको बता दें कि पहले चरण में हुई काउंसलिंग के दौरान शिक्षा विभाग को कई खट्टे अनुभव मिले हैं। इस दौरान कई जगह मेरिट लिस्ट में हेराफेरी का मामला सामने आया तो कई जगह पर अभ्यर्थियों का नाम ही नहीं पुकारा गया। कई जगह अभ्यर्थियों की मनमानी चली तो कई जगह पर अधिकारियों की भी मनमानी देखने को मिली है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग नहीं चाहता कि आगे की नियोजन प्रक्रिया में किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने आए। इधर बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विभाग को पत्र लिखकर 19 पंचायत नियोजन इकाइयों की चयन प्रक्रिया रद्द करने की सिफारिश की है। चयन प्रक्रिया के साथ साथ काउंसलिंग को भी कैंसिल करने की बात DEO ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को दे दिया है। आपको बता दें कि जमुई जिले के चकई प्रखंड के सभी 19 पंचायत नियोजन इकाइयों को काउंसलिंग और चयन प्रक्रिया को निरस्त करने की अनुशंसा की है। इस जारी पत्र में लिखा गया है कि इन नियोजन इकाइयों से विशेषकर झारखंड के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के सुनियोजित तौर पर बाहर रखा है। इसके साथ ही समूची नियोजन प्रक्रिया को खारिज करते हुए नए सिरे से कराने का आग्रह भी किया गया है। तो ये थी नियोजन प्रक्रिया को लेकर जानकारी, जिसमें यह कहा गया है कि बहुत जल्द ही दूसरा जो नियोजन प्रक्रिया का शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा और किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए बिहार सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।